एक महीना पहलों जी बंदा आया सी, एक राजू नायक नाम दा, ते उन्हें मैंने कहा है कि मतलब जंडियाले शिफ्ट हुए हैं कुछ महीनों तो, ते एक मेरी वाइफ बीमार है, एक रिंग लेके आया सी कोई 5 1 ग्राम दे लागे, कि मैनू अमाउंट चाहिए जिन्नी मिल सकती है, ते मैं कल तक लै जूँगा। तो 15,000 रुपया लैके गया जी वो पहले दिन, ते एक दिन बाद वो वापस दे गया जी वो रिंग। ते थोड़े दिन बाद फिर आया वो एक लॉकेट लैके गोल्ड का, बिल्कुल प्योर सी वो, तो 70,000 रुपया अमाउंट लैके गया दूजी बारी 4 क दिन बाद। उसके तो बाद थोड़े दिन बाद फिर आया कि मैंने थोड़ी अमाउंट की वध लोड है मेरे व्यापार के, कोई मेरे फ्रूटा वगैरह का काम आ मतलब, तो मैंने वो लोड़ पै जाती है 1 2 दिन ली, मतलब फिर मैं सेल करके सारा समान तो मैनू पैसे आ जाते हैं। तो 3 लाख रुपया लग गया जी 4 क दिन बाद। वो तो बाद थोड़े दिन बाद फिर आ गया वो 5 क दिन बाद, 3 लॉकेट सी शायद, तो उन्होंने वध अमाउंट की लौड़ ही। तो फिर थोड़े दिन बाद आया उन्होंने जिन्हें वो तो वह लॉकेट लैके आता सी बिल्कुल प्योर गोल्ड के, तो 7 लख लै गया। फिर 4 5 दिन बाद आया फिर वो 11 लख लै गया जी। हर वारी गोल्ड चेक करवाया, तो इतने जोड़ा भी साडा मुंडा है काम करता हमेशा उन्हें बिल्कुल वधिया तरीके ने चेक किया। फिर 5वीं वारी आया जी उन्होंने 16 लख रुपये अमाउंट की लौड़ ही, तो हैगे सी उस टाइम पर, तो उन्होंने देते मतलब। फिर 1 2 दिन बाद आया वो, तो अमाउंट दे गया जी वापस, मतलब यकीन ही इन्ना क बना लिया उन्हें, मतलब सोच भी नहीं सकता है हुण कि की गल होई किसी गल लास्ट ते जी। फिर 18 लख रुपया अमाउंट की उन्होंने लौड़ सी, मतलब शायद 26 तरीक सी लास्ट, थोड़े दिन पहला सोमवार का दिन सी, तो 18 लख रुपया अमाउंट उन्हें ली है जी। तो गोल्ड थोड़ा ज़्यादा सी, बाद च पता लगा कि गोल्ड प्लेटेड सी सिर्फ, वो नीचे सिर्फ चांदी सी, तो 1.5 3 लाख दिया कोई भारी आइटमां सी जिवें कांटे दिया जोड़ियां सी, रिंग्स सी हैवी 10 10 ग्राम दिया बनिया पई, मतलब वह गोल्ड थोड़ा ज़्यादा ही। तो वह कहता कि ये अमाउंट भाजी तुम लिख लो, यदा भी तुम इंट्रस्ट कहोगे तो नाल दे देंगे। मैं क्या कोई गल नहीं भाजी, वह इंट्रस्ट नहीं चाहिए, तो तुम ये सानू दे दो, जिहड़ी जिहड़ी चीज़ कोई वापस करनी होगी, जो तुहानू अमाउंट देन आनी है 18 लख रुपये, तो नाल तुहानू वो दे जाएंगे। तो कभी फोन बंद होया नहीं सी जी वह, तो उतों एक दिन वो वेट की है, वैसे तो 1 2 दिन बाद आ जाता है। तो तीजे के दिन उन्हें मैं फोन करना है कि तुम भाजी जो समान लिया है वो कुछ वापस करना या रख लिया, तो वह फोन बंद होना शुरू हो गया। मतलब तीजे दिन फिर मैं शक पिया, फिर मैं बुलाया कि मुंडा ही जेड़ा चेक करके जाता है गोल्ड की, आ चेक कर लो, सेम आइटमां दे के गया, तो बंदे का फोन बंद आ। तो फिर वो चेक किया जी, वो चेक करने नाल तो कुछ नहीं पता लगा, वो कहते कि कट के ही पता लगना है, अगर फोन ही बंद आता पे तो कट के वेख लिए। 5 वारी हमेशा वह गोल्ड बिल्कुल सही सी, तो इस वारी कट के वेख्या तो नीचे सिर्फ चांदी सी। किन्ने पैसे लग घट गए 18 लख रुपया कैश सी, तो 3.5 लख रुपया गोल्ड बनवा के लैके गए सी, इतों सिलेक्ट करके गए सी। प्रशासन की मांग कर मंग यही जी, जो बनती कार्रवाई आ उन्होंने फड़ के जल्दी तो जल्दी की जाए, कि ना वे उस स्टेट छड़ के इतों निकल जाए, कुछ दिन ही हो सकते हैं शायद, कि वो फड़िया जाए तो मेरे लिए सही रहूगा, मेरी अमाउंट वापस मिल जूगा। सीसीटीवी कैमरे के लगे थे बिल्कुल लगे हुए जी, वो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव के विच की हुई है, वो वधिया कलैरिटी लिए उन्होंने थोड़ा कर दे पे, कोई सॉफ्टवेयर थोड़ा टाइम लगेगा, अज के दिन आ जूगी वो वीडियो भी, तो वो भी सोशल मीडिया से भी अगर कहेंगे तो असं जरूर पावे, तो बस अगे अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए सारे जने कि इन्हें तो कोई यकीन ना करो हमेशा अपना। बाकी जो मेरे नाल होना सी वो तो हो गया जी, वो वापस तो कभी आ नहीं सकता, अगर रब ने लिखा होगा तो जरूर मिलूगा। सर, जी घटना वापरी है जी वो बारे जानकारी दो। दरखास्त आई है आकाशदीप पुत्र बलजीत सिंह वालों, जिन्हें कहा मैं जूलर हाँ तो मेरे नाल कोई 21 साढ़े 21 लाख की कोई ठगी कर गया है, मेरे को 16 लख रुपया तो 3.5 लख रुपये के गहने लै गया है, मैंने जाली सोना दे गया। जांच करते हैं, दरखास्त साढ़े को पहुंची है, देखते हैं चेक करते हैं, नाले वो फोन ट्रेस करके उन्हें कॉल करते हैं। कोई राती एक चोरी भी हुई राती? रात नहीं हुई है, पहले भी चोरी हुई है, मैं देखी कल सी। अच्छा, हाँ वो छक्की बंदा देखा, लिया कोशिश कर रहा है। ये काफी ठगियां अगे भी वजदियां, की कहना चाहोगे सर ठगियों का, ठगा का कितना रहना? देखो ये तो दुकानदारों को चाहिए भी अपना जो काम वधिया तरीके ने करना,
ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ठीक है।